अरे तोते ये देखो आज मुझे भोजन में कितनी मजे की चीज मिली है। अरे मीनू चिड़िया ये तो एक पिज्जा है, ये मैंने पहले भी खाया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। हाँ तोते मुझे जैसे ही पिज्जा मिला तो मैं फौरन ही तुम्हारे घोंसले में ले आई, हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे। फिर मीनू चिड़िया और तोता मिलकर वे पिज्जा खाने लगते हैं। मीनू चिड़िया काश कि मुझे थोड़ा और पिज्जा खाने को मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तुम उदास क्यों होते हो तोते, मुझे पिज्जा बनाना आता है, बस हमें जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढनी पड़ेंगी। क्या वाकई मीनू चिड़िया, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी मीनू चिड़िया बुलबुल बहन के पास ओवन भी है, हम उसमें पिज्जा बना लेंगे। बस फिर क्या था, तोता और मीनू चिड़िया दोनों पिज्जा बनाने के लिए चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है। मीनू चिड़िया कहती है, तोते पिज्जा बनाने के लिए टमाटर प्याज शिमला मिर्च गंदम सब कुछ मिल गया है, बस पिज्जा बनाना शुरू करना है हमें। बुलबुल बहन हम आपके ओवन में पिज्जा बना लें, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मीनू चिड़िया मुझे भला क्यों एतराज होगा, तुम पिज्जा बना लो मेरे ओवन में, परंतु जब पिज्जा बन जाए तो थोड़ा पिज्जा मुझे भी खाने को दे देना। अरे क्यों नहीं बुलबुल बहन, एक बार पिज्जा तो बनने दे, मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। कुछ देर मेहनत करने के बाद मीनू चिड़िया पिज्जे का डो तैयार कर लेती है और बस पिज्जे को ओवन में रखना था। बस फिर मीनू चिड़िया उस पिज्जे को ओवन में रख देती है। कुछ देर के बाद जब मीनू चिड़िया पिज्जे को ओवन से निकालती है तो पिज्जा तो एकदम बनकर तैयार हो चुका था। मीनू चिड़िया तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे तोते सिर्फ इसकी तारीफ ही करते रहोगे या फिर इसे खाकर भी देखोगे? फिर मीनू चिड़िया बुलबुल और तोता मिलकर वे पिज्जा खाने लगते हैं। मीनू चिड़िया ये पिज्जा तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया था, मजा ही आ गया, तुमने तो कमाल का पिज्जा बनाया था। हाँ मीनू चिड़िया वाकई पिज्जा तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था, एक बार और बना दो तुम। वैसे मीनू चिड़िया मेरे पास गंदम और प्याज का खेत है और तुम्हारे पास टमाटर और शिमला मिर्च का खेत है, क्यों ना हम दोनों मिलकर पिज्जा बनाने का व्यापार शुरू करें, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। तोते वैसे उपाय तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा, हम ऐसा कर सकते हैं, और क्या पता हमारा पिज्जा सब पक्षियों को बहुत पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल में अपनी एक पिज्जे की दुकान खोल लेती है और एक नया ओवन भी खरीद कर ले आती है। पक्षियों जल्दी आओ अब से हमारे जंगल में मजेदार पिज्जा भी मिलेगा, जल्दी आओ पिज्जा खाओ और मजे उठाओ। कुछ देर के बाद बुलबुल आती है और बुलबुल कहने लगती है, मीनू चिड़िया मुझे जल्दी से पिज्जा खिलाओ, तुम बहुत ही मजेदार पिज्जा बनाती हो। फिर तोता बुलबुल को पिज्जा देता है और वे बुलबुल पिज्जा बहुत ही मजे से खाने लगती है। वाह वाह मीनू चिड़िया तोते ये पिज्जा तो कल की तरह बहुत ज्यादा ही कमाल का है, मुझे एक पिज्जा और खाना है। बस इसी तरह तोते और मीनू चिड़िया का व्यापार बहुत ज्यादा ही अच्छा चल रहा होता है। इसी जंगल में एक कालू कौवा भी अपनी एक पानीपुरी की दुकान लगाता था। पूरे जंगल में कालू कौवे की पानीपुरी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। हमारी पानीपुरी को खाने के लिए दूसरे जंगल के पक्षी भी आते थे और हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता था, परंतु जब से तोता और मीनू चिड़िया ने अपनी पिज्जे की दुकान खोली है मेरे सारे ग्राहक तो उनकी दुकान पर चले गए हैं और वे मेरी पानीपुरी को जैसे भूल ही गए हैं। हाँ कालू जी, इस मीनू चिड़िया ने हमेशा हमें परेशान ही किया है, हमारी पानीपुरी का धंधा बंद करवा दिया है इसके पिज्जे ने। कालू जी अब मीनू चिड़िया और तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ रानी, रातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, अब तुम देखना मीनू चिड़िया और तोते के साथ मैं ऐसा करूंगा कि इन्हें अपना पिज्जे का धंधा खुद ही बंद करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया और तोते के पास जाता है। मीनू चिड़िया तोते जल्दी अपने इस पिज्जे के धंधे को बंद करो, तुम्हारी वजह से कोई भी पक्षी मेरी पानीपुरी को नहीं खा रहा है। कालू कौवे हम क्यों बंद करें अपनी पिज्जे की दुकान, हमारा पिज्जा तुम्हारी पानीपुरी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसीलिए पक्षी मेरा पिज्जा ही खाते हैं। मीनू चिड़िया मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, अब ये कालू कौवा बोलेगा नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएगा, अब तुम देखना मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा कर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया और तोते पर नजर रख रहा होता है। मीनू चिड़िया कुछ दिनों में मेरा परिवार पिकनिक पर जा रहा है, तो इसीलिए मुझे 10 पिज्जे चाहिए। अरे वाह उल्लू से इतना बड़ा ऑर्डर, आप बेफिक्र होकर चले जाएं, परसों आपको आपके 10 पिज्जे मिल जाएंगे। तोते की ये बात सुनकर उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ तोते, अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए हो तुम? मीनू चिड़िया मैं भूल गया था, परसों दूसरे जंगल से मेरे कुछ दोस्त पिज्जा खाने के लिए आ रहे हैं, कम से कम उनके लिए 10 पिज्जा तो बनाने ही होंगे हमें, हमारे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है, हम पूरे 20 पिज्जा कैसे बनाएंगे? अरे तोते ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, अब उल्लू सेठ को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों रात को भी मेहनत करके 20 पिज्जा बना लेंगे। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। अगर तोते के दोस्त जो दूसरे जंगल से आ रहे हैं अगर उन्हें भी मीनू चिड़िया का पिज्जा पसंद आ गया तो देखते ही देखते मीनू चिड़िया का पिज्जा तो और जंगलों में भी मशहूर हो जाएगा। ना बाबा ना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दो दिन गुजर जाते हैं, मीनू चिड़िया और तोते ने रात दिन एक करके 20 पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए होते हैं। देखा तोते, मिलजुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। चलो अब इनमें से 10 पिज्जे तो हम उल्लू सेठ के अलग करके रख देते हैं और बाकी के 10 पिज्जे अपने घोंसले में रख लो तुम ले जाकर अपने दोस्तों के लिए। ठीक है मीनू चिड़िया, हम कल ही उल्लू सेठ को उनके 10 पिज्जे दे देंगे, तुम देखना कि मेरे दोस्तों को तुम्हारा पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। रात हो जाती है, कालू कौवा चुपके से तोते के घर में आता है और तोते के सभी पिज्जों में वे लाल मिर्च मिला देता है। मैंने इन सभी पिज्जों में लाल मिर्चें मिला दी हैं, अब तो मीनू चिड़िया और तोते का धंधा बंद होकर ही रहेगा। अगली सुबह हो जाती है, तोते के दोस्त पिज्जा खाने के लिए तोते के घर में आ जाते हैं। आप सब पक्षी आराम से बैठें, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और तोता किचन में आ जाते हैं और वे पिज्जों को देखते हैं। मीनू चिड़िया चलो एक बार पिज्जा देने से पहले इन्हें खाकर देखते हैं, मेरी इज्जत की बात है ये। फिर मीनू चिड़िया एक पिज्जे को थोड़ा सा खाकर देखती है तो वे कहती है, ये तो खाने के लायक ही नहीं है, तोते इसमें कितनी मिर्चें हैं। मीनू चिड़िया जरूर उस दुष्ट कालू कौवे ने ही ये सब कुछ किया होगा ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज होकर चले जाएं।
नहीं नहीं तोते रुक जाओ, मुझे सोचने दो कुछ। मीनू चिड़िया, अभी हमने उल्लू सेठ को उनके 10 पिज्जे नहीं दिए हैं, क्यों ना हम उल्लू सेठ के 10 पिज्जे अपने दोस्तों को खिला दें जो तुम्हारे घर पर रखे हैं। नहीं भाई तोते, वे पिज्जे तो उल्लू सेठ के हैं, वे कभी भी लेने आ सकते हैं। तोते क्या पता उल्लू सेठ अपने पिज्जे लेने के लिए मेरे घर पर आए हो, मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गई थी, मुझे मेरे पिज्जे दे दो। उल्लू सेठ हमारी मदद करें, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को सारी बात बताने लगती है। मीनू चिड़िया कोई बात नहीं, तुम मेरे 10 पिज्जा अपने मेहमानों को खिला दो, वैसे भी मेरा परिवार पिकनिक पर कल जा रहा है, इसीलिए मुझे पिज्जा भी कल चाहिए। उल्लू सेठ की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के 10 पिज्जे लेकर आती है और वे तोते के दोस्तों को दे देती है। जब तोते के दोस्त वे पिज्जा खाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ही मजा आ जाता है और वे कहते हैं, अरे वाह भाई वाह बंटी तोते, कितना मजे का पिज्जा था ये, बहुत मजा आया ये खाकर तो मुझे। हाँ मुझे भी पिज्जा बहुत ज्यादा ही पसंद आया, मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगी कि अगर किसी को भी पिज्जा खाना हो तो वो मीनू चिड़िया की दुकान पर चले जाए। इस तरह मीनू चिड़िया और तोता बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कालू कावे की चाल नाकाम हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रानी ये पत्ते बिछा दिए हैं मैंने, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर कोई गड्ढा किया था या फिर नहीं। चलो भाई मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, हम अपने घोंसले में चलते हैं और जाकर भोजन खाते हैं। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले में आ जाते हैं और भोजन खाने लगते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी भोजन खा रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवी ये क्या तुम दोनों के पास इतना सारा भोजन कहाँ से आया, जंगल में तो हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा है, भोजन तो कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तुम दोनों के पास इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से आया। जब मेरे मामा जी को पता चला कि मेरे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है और हमारे जंगल में भोजन तो मिल ही नहीं रहा, इसीलिए मेरे मामा जी मुझे ढेर सारा भोजन देकर गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है कालू कौवे ने कुछ दिनों पहले मुझे बताया था कि कालू कौवे की मामा जी की एक हादसे में मृत्यु हो गई है, तो फिर कालू कौवा मुझे झूठ क्यों कह रहा है, जरूर बात कुछ और ही है जो कालू कौवा और रानी कौवी मुझसे छुपा रहे हैं। अच्छा कालू कौवे तुम्हारे पास तो इतना सारा भोजन है, तुम थोड़ा थोड़ा भोजन हम जंगल के पक्षियों को भी दे दो ताकि हम सब पक्षी भी अपना पेट भर लें। नहीं भाई मैं तुम सब पक्षियों को भोजन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये भोजन सिर्फ और सिर्फ मेरे मामा जी ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा कि ये भोजन मैं और रानी ही खाएं और पक्षियों को तो ये भोजन मैं बिल्कुल भी ना दूं। और फिर मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जरूर कोई तो बात है जो कालू कौवा और रानी कौवी मुझसे छुपा रहे हैं, ये कालू कौवे के पास आखिर इतना सारा भोजन कहाँ से आया है, मुझे इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। कालू जी आज रात को हम दोनों दोबारा से उस सुनहरे फूल के पास जाएंगे और ढेर सारा भोजन लेकर आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है उस सुनहरे फूल की जमीन के नीचे ढेर सारा भोजन है, क्यों सुनहरा फूल हमें थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है, क्यों ना हम वहाँ की सारी जमीन खोद डालें और नीचे से सारा भोजन निकाल लें। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वे सुनहरे फूल की जमीन के नीचे यकीनन ढेर सारा भोजन होगा, हम आज रात को जाकर जमीन खोद कर सारा भोजन निकाल लेते हैं। फिर जंगल में रात भी हो जाती है, कालू कौवा और रानी कौवी उस सुनहरे फूल के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया भी कालू कौवे और रानी कौवी के पीछे पीछे जा रही होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया को पता करना था कि उनके पास इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से आता है। वाह रानी ये फूल कितना ज्यादा चमक रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना चमकदार फूल नहीं देखा है। कालू जी ये देखो इस सुनहरे फूल में जो पत्तियाँ लगी है, इसमें से अगर हम एक पत्ती तोड़ेंगे तो हमारे पास ढेर सारा भोजन आ जाएगा। हाँ वो तो तुमने मुझे बताया था ना, लेकिन अब हम पत्ती तोड़कर भोजन नहीं लेंगे, अब तो हम यहाँ की सारी जमीन खोद देंगे और नीचे जमीन के अंदर से सारा भोजन निकालेंगे। तो फिर कालू जी देर किस बात की है, चलो भाई जल्दी से जमीन खोदना शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा सुनहरे पुल के पास की जमीन को खोदने लगता है। ये सब कुछ मीनू चिड़िया भी देख रही होती है। मीनू चिड़िया कहती है, अब पता चला इनके पास इतना सारा भोजन आखिर कहाँ से आ रहा था, ये सुनहरा फूल इन पक्षियों को इतना सारा भोजन दे रहा था। इसका मतलब तोता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि हमारे जंगल में ऐसी भी जगह है जहाँ ढेर सारा भोजन है, यकीनन ये वही जगह है। कुछ देर के बाद कालू कौवा उस सुनहरे फूल के पास की सारी जमीन खोद डालता है और सुनहरे फूल को भी जमीन से निकाल कर फेंक देता है और अब सुनहरा फूल एकदम मुरझा गया था। रानी मैंने तो यहाँ की सारी जमीन खोद डाली लेकिन भोजन का एक दाना भी नहीं निकला, और ये देखो ये सुनहरा फूल भी मुरझा गया है, इसकी चमक भी खत्म हो गई है। कालू जी हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये तुमने क्या कर दिया, हमें रोजाना बेटे बिठाए ढेर सारा भोजन मिलता था, अब तो हम इससे भी हाथ धो बैठे हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो, इसमें आधा कसूर तुम्हारा भी है, क्योंकि तुमने भी कहा था कि इस जमीन के नीचे ढेर सारा भोजन होगा। ये कालू कौवे और रानी कौवी ने अपनी लालच के कारण इस सुनहरे फूल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन कालू कौवे और रानी कौवी के पास जाती है। मीनू चिड़िया तुम यहाँ पर कहाँ से आई, तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया। ये सब छोड़ो मुझे ये बताओ, जब तुम दोनों को ये पता चला कि इस दिशा में ये सुनहरा फूल है और ये ढेर सारा भोजन देता है, तो ये बात तुमने हम सब पक्षियों को क्यों नहीं बताई। मीनू चिड़िया वो हम बताने ही वाले थे, इससे पहले ये बात तुम्हें पता चल गई। झूठ, तुम दोनों चाहते थे कि सुनहरे फूल का सारा भोजन अकेले तुम दोनों ही खा जाओ और हम पक्षियों को इस बात की भनक भी न पड़े। नहीं नहीं मीनू चिड़िया ऐसी कोई बात नहीं है, हम कल सुबह ही तुम सब पक्षियों को ये बात बताने वाले थे। बस बहुत हो गया है, अब तो मैं ये बात जाके मिट्ठू महाराज को बताऊंगी, मिट्ठू महाराज ही तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया हम दोनों को माफ कर दो, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक मौका और दे दो। मैं तुम दोनों को माफ कर देती लेकिन तुम दोनों ने अपने लालच के कारण इस सुनहरे फूल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, चलो मिट्ठू महाराज के पास। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर मिट्ठू महाराज के महल चली जाती है।
रानी को जल्दी से मिठू महाराज को बुलाकर लाओ। ये कालू कौवे और रानी कौवे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। मीनू चिड़िया, मिठू महाराज तो अभी सो रहे होंगे, उनको जगाना अच्छी बात नहीं है। देखो उल्लू सैनिक, अभी मिठू महाराज को जगाना बहुत ही जरूरी है, तुम जल्दी से जाकर उनको जगाकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कोशिश करता हूँ और मिठू महाराज को बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर वे उल्लू सैनिक मिठू महाराज के कमरे की तरफ चला जाता है। मिठू महाराज जल्दी उठिए, मीनू चिड़िया आई है और वे कालू कौवे और रानी कौवे को भी साथ लेकर आई है, वे आपको बुला रही है, लगता है कोई बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, आप जल्दी से उठिए। ये बात सुनकर मिठू महाराज फौरन से उठ जाते हैं और वे उल्लू सैनिक के साथ मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया क्या बात है, तुम इतनी रात को मेरे महल में क्यों आई हो और ये कौवा और कौवे को भी तुम अपने साथ क्यों लाई हो? फिर मीनू चिड़िया मिठू महाराज को सारी बात बताने लगती है। क्या उस सुनहरे फूल को कालू कौवे ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है? उस सुनहरे फूल की तलाश तो मुझे काफी सालों से थी और मुझे ये भी पता था कि वे सुनहरा फूल हमारे जंगल में कहीं पर लगा है, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि आखिर वे फूल हमारे जंगल में किस तरफ लगा है। कालू कौवे रानी कौवे, जब तुम दोनों को उस सुनहरे फूल के बारे में पता चला तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए मिठू महाराज, क्योंकि ये कालू कौवा और रानी कौवे चाहते थे कि वो सुनहरे फूल का सारा भोजन ये अकेले ही अपने पास रखें और जंगल के पक्षियों को ये बात पता ही नहीं चले। मिठू महाराज हमें माफ कर दें, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें आखिरी बार छोड़ दें। उल्लू सैनिक जाओ, जाके कालू कौवे और रानी कौवे को पिंजरे में कैद कर दो। कालू जी, अब तो हम पिंजरे में कैद हो जाएंगे और जो हमने अपने घोंसले के नीचे खट्टा करके ढेर सारा भोजन छुपाया है उस भोजन का तो हम क्या करेंगे अब? अरे रानी, ये बात नहीं बतानी थी, हम एक बार आजाद हो जाते तो फिर हम वे भोजन खाते। सैनिक जाके कालू कौवे और रानी कौवे को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दो और इनके घोंसले के नीचे जो खड्डा है उस खड्डे से तुम सारा भोजन निकाल कर ले आओ। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाके वे सारा भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिठू महाराज के हुकुम पर कालू कौवे और रानी कौवे को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और मिठू महाराज कालू कौवे का छुपाया हुआ सारा भोजन अपने महल में मंगवा लेते हैं और पक्षियों को बांट देते हैं। अब इस तरह उस जंगल में भोजन की समस्या दूर हो जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।